दबंगों के हौसले बुलंद, दलित युवक को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल। देर शाम वैभव मंदिर परिषद में बच्चे को घुमाने लाया था युवक। दबंगों ने पार्क में घूमने का जताया विरोध, विरोध के चलते मारी गोली। भूपेंद्र कठेरिया गंभीर रूप से घायल, चिकित्सकों ने गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल से सैफई किया रेफर। दबंग तमंचा लहराते हुए मौके से हुआ फरार। दबंगों ने युवक के ऊपर कई राउंड फायरिंग कर फैलाई दहशत। थाना प्रभारी सीओ सिटी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। थाना कोतवाली क्षेत्र के ओडन पडरिया मंदिर की घटना। क्या नाम भैया? मेरा नाम भूपेंद्र। ये कैसे लगी, क्या घटना हुई? हम मंदिर पे गए थे अपना बच्चा लेके, तो मंदिर पे अनिल फौजी है, चौहान है, उनने कहा तो वो धान हो गए, यहाँ बच्चा लेके आ जाता खिलाने के लिए, तो इतने बोला अपने बच्चे से, मोनू से, या तमंचा लेके आया। वो दोनों तमंचा निकाल रहे, दोनों फायर गए थे, एक के हाथ में लग गई, एक बचा गई गोली। हम और भी कभी कोई पहले विवाद किया है? कोई कुछ नहीं, हमारी कोई रंजिश ही नहीं का। कहाँ के निवासी हैं ये? हम ओडन के सब। नहीं, जिन्होंने मारी है ये कहाँ? ओडन के ही गांव के ही हैं। सर, एक कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली मारी गई है, सर क्या मामला है, सर किस तरह के, क्या कब घटना हुई? ये अभी सायंकाल की घटना है। ओडन में एक मंदिर है, वहाँ पर मंदिर परिसर में ही एक दुकान है, शॉपकीपर है, और एक दूसरा व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है अपने बच्चे को लेकर के। इस दौरान उन लोगों के द्वारा इनको मना किया जाता है या कुछ अपना उनसे बातचीत करती की जाती है। उसी दौरान हॉटटॉक हुआ और इसमें वो तमंचा निकाल करके इस पर फायर किए, जिससे इसके बाँह में चोट लगी हुई है, गोली लगी हुई है। यहाँ पर प्राथमिक उपचार करने के पश्चात डॉक्टर के द्वारा इनको सैफई रेफर किया जा रहा है। सूचना प्राप्त हुई है, तहरीर जैसे ही मिलती है लेकर के अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।